एक चित्रकार लगातार अभ्यास करके बेहतर चित्रों का निर्माण करता है। वह इतना अभ्यास करता है कि वह बेहतर चित्रों का सृजन उसकी बेहतर आदत बन जाती है। जब आर्ट गैलरी में उसकी प्रदर्शनी लोग देखते हैं तो उसके चित्रों में उसकी मजबूत आदतों का विकास दिखाई देता है। हमें प्रतिदिन अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। हम कैसी आदतें विकसित कर रहे हैं, क्योंकि ये आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। अगर हम सब केवल शरीर से जुड़े रहकर स्वार्थ में कार्य करते रहते हैं तो हमारी आदतें वैसी ही बन जाती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में परमार्थ, दूसरों के हित साधन, प्रार्थना, परमात्मा की स्तुति, अपनी आत्मा का पोषण करते रहना चाहिए, जिससे बेहतर आदतों का निर्माण हो। हमें अपना निवेश ज्यादा से ज्यादा आत्मा के साथ करना चाहिए। हम सबको वो काम करने चाहिए जो मेरे प्रभु को प्रसन्न करते हों। हमें अपने आत्मनियंत्रण पर कार्य करना चाहिए। अपने प्रियजन, पड़ोसी, समाज, देश से प्रेम करना चाहिए। हमें कभी भी अच्छा करने से नहीं थकना चाहिए। अपनी अच्छी दिनचर्या को मजबूती के साथ विकसित करना चाहिए। अपने परम प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाएं। प्रार्थना हमारे रिश्ते को मजबूती प्रदान करती है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। मैं आपको सम्मान करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे सुंदर जीवन देने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद प्रभु। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित बन सकूँ। मुझे दुनिया की ओहपोह से वापस अपनी ओर लाने में मेरी सहायता करें। मैं आपके साथ समय बिता सकूं, दूसरों को प्यार करने में मेरी मदद करें। मैं अपने मिलने वालों से, अपने पड़ोसियों से ईश्वरीय प्रेम करने में मेरी सहायता करें। मेरे प्रभु, बगैर किसी स्वार्थ के दूसरों से स्नेह करने में मेरी मदद करें। हे योगेश्वर, मुझे आपकी दया एवं करुणा की आवश्यकता है। मुझे अपनी शरण में लें। मुझे सीधे रास्तों पर चलने में मेरी मदद करें। प्रभु, आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है, सब कुछ है। मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं आपके आदेशों पर चलूं, आपकी आज्ञा अनुसार चलूं। हे अनंत, हे अविनाशी, हे सच्चिदानंद भगवान, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आभार स्वीकार करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद।